जय जगन्नाथ बंधुगण मो चिन्मय आपण मानक स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को। आज आम जानिबा जगन्नाथ जने महान भक्त सालभ्य जीवन विषय। सालभ्य 1607 जन्मित जगन्नाथ जने महान भक्त और ओडिया कवि थिले। से अनेक भक्ति कविता रचना करि जाइछन्ती। जीवन काल सालबेग एक गरीब मुसलमान परिवार जन्म होते। पिता लालबेग बिहार जहांगीर के राजदरबार में 1605-1627 भितर जने मोगल कर्मचारी थे। पुरी ठारे मोगल आक्रमण बेल लालबेग सालबेग माँ को बहुत करते। माँ फतिमा बीबी जने ओडिया ब्राह्मणी थे जहाँ को लालबेग अपहरण कर बलपूर्वक बहुत करते और बहुत पर नाम फतिमा बीबी होता। लालबेग ओरसर सालबेग जन्म नहीं। सालबेग शुणी शुणी हिंदू धर्म शास्त्र पुराण सब मन रखुले। बयस बढ़िया पर से जगन्नाथ जने परम भक्त होते। से अनेक भजन जनाण जगन्नाथ रचना कर भक्त सालबेग समाधि पूरी मुख्य चिकित्सा निकट में अच्छी। दांड मुकुंदपुर ग्राम सह सालबेग संपर्क। सालबेग मामूघर पूरी जिलार पिपिली निकटवर्ती दांड मुकुंदपुर ग्राम अटे। यही स्थान सालबेग स्मृतिपीठ रूपे प्रसिद्धि लाभ कर। दांड मुकुंदपुर सालबेग मामूघर बोली केतेक पुस्तक वर्णना कर। रामदास दाढ़ता भक्ति रे सालबेग माँ दांड मुकुंदपुर ग्राम को उत्तम ग्राम बोली कहवा सहित शाशु शशुर अनुपस्थित स्नान करुवा समय सालबेग पिता अपहरण कर कविता मध्यम प्रकाश कर। 1607 ख्रीष्टाब्दी तत्कालीन बिहार सुबेदार थिले लालबाग। लालबाग मोगल सम्राट जहांगीर को एकांत अनुगत कुली खा अटंती। यही समय रे लालबाग मोगल सेना सह पूरी जगन्नाथ मंदिर आक्रमण करने को जाउथिले। सही समय रे दांड मुकुंदपुर ग्राम रास्तार पार्श्वरे थिबा बड़ पोखरी जने बाल्य विधवा ब्राह्मण युवती स्नान करुथिले। लालबाग तांकु देखि आकर्षित होई अपहरण करनेइथिले। किंतु से विधवा लालबाग निकट निजक समर्पण न करी आत्महत्या करने को संकल्पबद्ध हेले। यहाद्वारा लालबेग विचलित हो पड़ते। तेणु से ब्राह्मणी समस्त शर्त मानी निजर पत्नी रूपे ग्रहण कले। ब्राह्मणी शर्त थिला जे लालबेग पूरी जगन्नाथ मंदिर कि अन्य कौनसी हिंदू देवादेवी मंदिर उपरे आक्रमण करिवे नहीं और कौन मुसलमान विधि विधान मानवापी बाध्य करिवे नहीं। तेणु लालबेग पूरी जगन्नाथ मंदिर उपरे आक्रमण न कर दांड मुकुंदपुर ठारु फेरी जाइथिले। एही ब्राह्मणी लालबेग पत्नी होइकि मध्ये पवित्र मन रे श्री जगन्नाथ को भक्ति करुथिले। किछि दिन परे तांकर एक पुत्र संतान जात हेले जार ना सालबेग। एकदा सालबेग युद्ध क्षेत्र में शत्रुपक्ष आक्रमण शिकार हो सांघातिक भाव क्षताक्त हो बिछणु उठी पार नथिले। से बंचिवार आशा हरई बसिथिले। सालबेग तांका मां को कहिथिले कि जदि किछि बंचिवार मार्ग अछि से कुहंतु नचेत से आत्महत्या करदे। एकदा शुणी माँ पुओ को ईश्वर विश्वास उपदेश देले आउ पुराण ध्रुव कथा और प्रभु श्रीकृष्ण बाल्यलीला कथा कही। सालबेग मन में हिंदू देवादेवी प्रति भक्तिभाव सृष्टि किंतु एंकर देह भल है माँ कृष्ण नाम जपापी उपदेश देते। तेणु सालबेग वृंदावन पाक ठारे तीन दिन तीन राति कृष्ण नाम जपिते। यहाँ देह सुस्थ हो जाता पर वृंदावन बाग नाम बैसींगा होपर सालबेग और माँ पूरी आसते किंतु से श्रीमंदिर प्रवेश कराई दिगला। तेणु सालबेग कवित स्पष्ट करते पिता मो मोगल बेटा माता मो ब्राह्मणी एकुले जन्मिली हिंदू न छुएमे पाणी। सालबेग मन में महाप्रभु दर्शन निम्ते प्रबल अभिलाषा सत्वे से वंचित होते। से माँ बालेश्वर जा 1608-1615 मसीहा जाए दामोदरपुर श्याम सुंदर मंदिर निकट में बास करते। यहाँ सालबेग जशवंत दास शिष्यत्व ग्रहण करते। यह सुदर्शन दास रचित जशवंत दास चौतेष्याज्ञा ग्रंथरे उल्लेखित। रामदास दाढ़ता भक्ति में 1622-1647 ख्रीष्टाब्द मध्य सालबेग भजन जनाण रचना करथिबा कथा उल्लेख होइछि। नागा सन्यासी माने मोगल का पूरी आक्रमण समय श्रीमंदिर सुरक्षा निमित्त निज प्राणाहुति देते। सेवायत मैंने प्रभु को अनिष्ट नहेबापी श्रीमंदिर पछपटे लुचाई नहीं प्रभु को चिलिकार गोपन आश्रयस्थल रखी। यही घटनार किछि दिन पर बंगरे युद्ध होता। बंग अभिमुखे यात्रा समय लालबेग कलिकता ठारे मृत्यु होता। यहपर लालबेग संपर्क सालबेग और माँ को घर तोड़ी देवारू से दक्षिण आड़े चलीगले।
ଏହା ପରବର୍ଷ ସାଲବେଗ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେହି ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାଲବେଗଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଲବେଗ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ରଥେ ବିରାଜିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ରଥ ଗଡ଼ିଥିଲା। ସାଲବେଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହିପରି ଏକ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ଗଣ୍ଡିଠାରେ ତାଙ୍କ ସମାଧି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ସ୍ମାରକୀ ବା ସ୍ମୃତିପୀଠ ସ୍ୱରୂପ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ସାଲବେଗଙ୍କ ପୀଠ ନାମରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏବେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମସ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଲବେଗଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହେଉଛି। ରଚନାବଳୀ ଭକ୍ତି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେଖବାଳିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥାଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ ସାଲବେଗ। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଜଣାଣ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭାବରେ ଆଜି ଯାଏ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତବାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଆଜି ଯାଏ ରେଡିଓ ଟିଭି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଆସର ସବୁଠାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଜନ ଗାୟକ ବିଶେଷ କରି ଭିକାରୀବଳଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଏହି ଭଜନ ଓ ସାଲବେଗଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଗୀତ ସବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜନପ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହି ଭଜନଟି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରୀତି ବେଢ଼ ପରିକ୍ରମାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏହି ଭଜନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯବନ ଆକ୍ରମଣ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲୁଟିବା ଓ ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ, ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀର ବିଷାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଖୁବ୍ ଆବେଗ ସହିତ ଏଥିରେ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।